हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं हल्द्वानी जा रही हूँ गांव से। जब हम हल्द्वानी से आते हैं तो बहुत खुशी होती है मन में, फिर छुट्टियाँ बीत जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे चले गए। लेकिन जब जाने का टाइम आता है तो जाने का मन नहीं करता। चलिए आज अभी चलती हूँ, यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। पूरा कोहरा कोहरा हो रहा है, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है लेकिन बारिश उतना खास हुआ नहीं। दिखाती हूँ, ये देखिए सुबह से पूरा बंद है, पूरा कोहरा है चारों तरफ। अभी 8:30 बजे हैं सुबह के। आज दिन भर ऐसे ही है, हल्की हल्की बारिश आ रही, ज़्यादा आ नहीं रहा। चलिए अभी लेट भी हो रहा है, इतना नीचे रास्ता जाना है, सामान भी बहुत है, बच्चे भी हैं, ऊपर से हल्की बारिश भी आ रही है। चलती हूँ आगे। तो हम लोग जाने लग गए, थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही है अभी। अथर्व और उसके पापा अम्मा आगे चले गए, अर्णव जा रहा है। और अर्णव यहाँ पे जो उसके फ्रेंड बने थे गांव में, उनको बाय कर रहा जाते टाइम। और इसके दादाजी खड़े हैं, ये इसको जाने की जल्दी हुई है अभी। और रास्ते में हमें सब लोग जो गांव में दादा लोग हैं, चाचा लोग हैं, सब मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि गांव में ये अच्छा है, जो जाते हैं बाहर सब लोग मिलने के लिए आते हैं। हर गांव में होता है ऐसे। और मौसम पूरा बंद है, ज़्यादा बारिश भी आ सकती है और बूंदाबांदी तो हो ही रही। एक तो हमारा रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है, ऊपर से गीला हो गया, और भी दिक्कत हो रही। तो अर्णव के अम्मा थोड़े नीचे नीचे गए हैं, बैग ले गए थे वो। मैं जा रही हूँ, ये है अर्णव। दिन भर अपना पैंट ही ऊपर करने में लगा रहता है, इसको आदत हो गई और भी टी शर्ट अंदर ऐसे बंद करने की। यहाँ पे अथर हमें रुके थे, ये लोग यहीं तक आएंगे। नीचे तो दूर भी है, रोड तो बहुत दूर है। अर्णव के दादी अर्णव को प्यार कर रहे हैं और इमोशनल हो गए। घर में सब लोग इमोशनल हो जाते हैं जब आते हैं, बच्चे इधर उधर जाते हैं, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। रोने लगे थे दादा भी, दादी भी, बच्चों के लिए होता ही है। और अथर्व को मैंने पीठ पे लगा दिया था क्योंकि नीचे झुकने में दिक्कत हो रही थी, झुक के चलने में। और उसके अम्मा बाय बोल रहे हैं वहाँ से। जब तक हम रोड में नहीं पहुंच जाते तब तक देखे रहते हैं वो लोग, अकेले रह जाते हैं गांव में। सब लोग आए रहते हैं छुट्टियों में, सब चले जाते हैं इधर उधर, और गांव में जो बूढ़े सयाने लोग हैं वही रह जाते हैं। गांव सुनसान हो जाता है बिल्कुल, तो अच्छा नहीं लगता होगा, समझ सकते हैं। तो हम लोग आ गए थे, गाड़ी हमें रुकी थी क्योंकि हमें लेट हो गया था पहुँचने तक। चढ़ाई भी लगती है और नीचे चलना भी है। फिर गाड़ी में सामान चढ़ाया और हम लोग चल दिए वहाँ से। ये है मेरे गांव का व्यू, दिख रहा है ऊपर, ये देखिए। अभी दिखाऊंगी इस रोड से गांव, जब मैं अपने घर से मेन रोड दिखाती हूँ वहाँ से दिखाऊंगी कि मेरा घर दिख रहा है। सामने हमारा गांव घर दिख रहा है यहाँ से, और इसके आगे देवी मंदिर है गांव रोड के नीचे साइड को।
जो लोग हल्द्वानी रोड है ये मेन, सबको पता ही होगा मंदिर, जैसे सेरा घाट से आगे एक देवी का मंदिर है ऊपर में। हम लोग आगे रास्ते में मैंने वीडियो बनाया नहीं, अथर परेशान कर रहा था। ये है अल्मोड़ा, अल्मोड़े पे भी रुके थे हम लोग मिठाई खरीदने के लिए, तो वहाँ भी बारिश हुई थी। हम लोग पहुंच गए थे लगभग 4:30 बजे। ये है मेरे दोनों विद्वान जो आते ही बुक्स ले लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। Thanks for watching.